हेलो फ्रेंड, दिस इज निकेश शर्मा, वेलकम टू चैनल हाउ इट। सो गाइस, पिछले दो दिन से हम टीमों का रिव्यू कर रहे हैं, आईपीएल की टीमों का, यानी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है भाई। आज कितनी तारीख है? आज 14 तारीख है शायद, है ना? 14 तारीख है और 19 तारीख से आईपीएल स्टार्ट है। तो दो टीमों का रिव्यू हम कर चुके हैं और आज एक ऐसी टीम का रिव्यू कर रहे हैं जो हर साल एक उम्मीद लेके आती है, एक नई किरणें लेके आती है और लगता है कि यार इस बार ये टीम बहुत तगड़ा खेलने वाली है। तो आज मैंने पहना भी उनका ही कलर है, तो आप सबको पता लग ही गया होगा। वो सेम मेरी तरह हर बार उम्मीद होती है, हर साल उम्मीद होती है कि ये करेंगे, पर हो कुछ नहीं पा रहा। तो हम बात करने वाले हैं RCB की, यानी विराट कोहली की टीम की। तो इस बार की जो IPL की टीम है वो मेरे हिसाब से IPL हिस्ट्री में RCB की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, अभी तक की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम एवर इन IPL। ठीक है, तो भाई क्योंकि आपकी मेरे को बनाने में भी काफ़ी दिक्कत हुई है IPL की टीम इसकी, विराट कोहली की। तो देखते हैं भाई कहाँ पे किसको सेट किया और कहाँ पे किसको सेट होना चाहिए, आप भी बताना। तो भाई मैं स्टार्ट करूँगा एरोन फिंच के साथ। ठीक है, बहुत पैसा लगाया है, कम से कम 5 से 7 करोड़ में वो बिके हैं, तो ओपनिंग तो ये करेंगी। उसके बाद मैं ओपनिंग लूँगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका पार्थिव पटेल, बिकॉज इनका खेलना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, विराट कोहली से भी ज़्यादा ज़रूरी इनका खेलना है, बिकॉज इनका स्टार्ट देना बहुत ज़रूरी है। पार्थिव पटेल आपको 14 मैचेस में से 12 मैचेस में स्टार्ट देंगे कम से कम, और बहुत तगड़ा स्टार्ट देंगे, कम से कम 50-60 रन मारेंगे कम से कम 6 मैचेस में। तो मेरे हिसाब से पार्थिव पटेल को खेलना चाहिए। हालांकि देवदत्त पडलिकल जो नए प्लेयर हैं उनको भी चांस मिलेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इस बार अगर RCB को जीतना है काफ़ी अच्छा चांसेस है, बैलेंस टीम है, तो पार्थिव पटेल को ही खिलाना चाहिए ओपनिंग में। उसके बाद तो रन मशीन विराट कोहली, देन उसके बाद आपको पता ही है AB डिविलियर्स, जो कि इस बार कीपिंग भी कर रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब ये कीपिंग कर ले, कब ये बॉलिंग कर ले, कब ये फील्डिंग कर ले और कब ये बैटिंग कर ले। तो AB डिविलियर्स चारों के चारों धाकड़ प्लेयर। उसके बाद मोइन अली, सुपर ऑलराउंडर, स्पिन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और उसके बाद शिवम दुबे, जो कि अब इंटरनेशनल प्लेयर हो चुके हैं, जिनकी एक 50 भी है इंटरनेशनल में, और ये भी एक ऑलराउंडर आपको मिलेंगे, मीडियम पेसर और बैट्समैन। और उसके बाद मैं बात करूँ क्रिस मॉरिस। अगर आपको पता है क्रिस मॉरिस कौन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। क्रिस मॉरिस एक बहुत ही तगड़े ऑलराउंडर है, जो आपको डेथ में भी बॉलिंग करके देंगे। सबसे बड़ी बात, डेथ में अगर आप इनसे लास्ट के 2 ओवर निकलवा रहे हो तो ये अच्छे ओवर आपको दे सकते हैं, और बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में कोई कमी नहीं है। तो लगातार 3 ऑलराउंडर RCB को मिल चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी टीम के पास इतने स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर नहीं है मेरे हिसाब से। मोइन अली हुए और उसके बाद ये अपने क्रिस मॉरिस, शिवम दुबे हुए, हालांकि चेन्नई के पास है लेकिन यार इनकी बात थोड़ी सी अलग है, ये अभी जवान खून है, क्या कहते हैं, जवान खून। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, ये भी बैटिंग कर लेते हैं, ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग भी करके देंगे 1 से 2 ओवर, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद नवदीप सैनी, जो डेथ ओवर के काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, आप सबको पता ही है, नवदीप सैनी का बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं वो पेस मशीन, स्पीड मशीन, उमेश यादव तो खेलेंगे। ठीक है, कई लोग बोल रहे थे कि सिराज को खिला लो और जोस फिलिपी, डेली स्टेन की भी जगह नहीं बन पा रही यार टीम में, सबसे बड़ी बात, डेली स्टेन की जगह बनाने की बहुत कोशिश की बट स्टार्टिंग फेज में तो नहीं बन पा रही है, बाकी देखते हैं क्या 11 खेलती है। तो उमेश यादव का तो खेलेंगे। और उसके बाद यूजी चहल, और इस बार यूजी चहल मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यूएबल बॉलर जो होते हैं IPL में, उनमें सबसे अव्वल आने वाले हैं, या 1, 2, 3 शुरू की 3 पोजीशन में से तो रहेंगे। और इस बार मेरे को यार ऐसी वाइब भी आ रही है कि यार इस बार RCB प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई करेगी, और पॉसिबल चांसेस हैं कि क्या पता इस साल कप नामदे भी हो जाए, बट वहाँ पे बहुत सारी टीमें खड़ी हैं, चेन्नई खड़ी है और मुंबई खड़ी है, तो बहुत टीमें हैं यार, अभी तो रिव्यू में करना स्टार्ट किया है। तो यार ये मेरी आज की टीम थी, तो इसमें अगर कोई आपको चेंज लग रहा है, चेंज करना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं डेली डेली क्या प्रमोशन करूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कर ही देता हूँ।
यार मेरा नया गाना आ गया भाई, सपोर्ट कर दो यार उसे यार। एक पहला गाना आया बहुत पैसा लगता है भाई, सपोर्ट कर दो यार, उसे भी सपोर्ट करो, इस चैनल को दबा के सपोर्ट करो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इस चैनल को दबा के सपोर्ट करो। और आज के लिए इतना ही, फिट रहो, हिट रहो, देश से प्यार करो। जय हिंद, जय भारत।